जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज 7 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार है। यह दैनिक राशिफल चंद ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया गया है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली सभी शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां आसान बन जाती हैं। जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग 7 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कल दोपहर 12:29 से आज सुबह 11:10 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 6:20 से कल सुबह 6:20 तक रहेगी। इसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 तक रहेगी। आज चंद्रमा 8 जनवरी 12:15 तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा और आज सूर्य धनु राशि पर है। दिशाशूल पश्चिम। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो जौ या राई खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के विवाहित जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। किसी जरूरी काम को पूरा करने में आप सफल हो सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। इस राशि के कलाकारों को किसी बड़ी एक्सिबिशन में अपनी कला दिखाने का मौका मिल सकता है। कोई दोस्त आपके घर पर आपसे मिलने आ सकता है। शाम को कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। रोजगार के मामले में आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। गाय को रोटी खिलाएं, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, चंद्रमा की चांदनी में 15-20 बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। परिवार जनों का सहयोग मिल सकता है। कार्य की सफलता और नए कार्य के शुभारंभ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मित्रों तथा स्वजनों के साथ मुलाकात से आप खुशहाल रहेंगे। लघु यात्रा का योग है। भाई बंधुओं से मेल जोल बना रहेगा। आर्थिक लाभ तथा समाज में आदर सम्मान मिलेगा। मधुर वाणी से आपके कार्य सरलता से संपन्न हो सकते हैं। शाम के समय सैर सपाटे के लिए बाहर जा सकते हैं। सहकर्मी के साथ निकटता बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। निर्धारित काम में सफलता मिलेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, 5 गरीब कन्याओं को हरे रंग की बर्फी बांटने से पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मिथुन राशि। आज आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन जाएंगे। उन संस्थाओं से आपके काम को प्राथमिकता मिलेगी जहां अब तक आपके काम पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस अच्छे समय का लाभ उठाते हुए आप अपना सारा काम समय पर पूरा कर लें। आज कार्य क्षेत्र में समय शुभ रहेगा। आप अपने काम से अपने बॉस व ग्राहकों को खुश कर सकेंगे। अपना व्यवहार पूरी तरह से सभी के साथ अच्छा रखें ताकि किसी को भी शिकायत का कोई मौका ना मिले। इन दिनों आपके खर्चे खूब बढ़े चढ़े हुए हैं, इसलिए खर्चे और आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा व्यवहारिक बनिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए कोई भी चीज उधार ना खरीदें।
शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा उपाय। बाथरूम या घर के कोनों में गमले में सफेद मार्बल के टुकड़े या दाने रखने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। कर्क राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, हालांकि लगातार मेहनत से आप हर परिस्थिति से पार पा लेंगे। इस राशि के विवाहित के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। शाम को बच्चे के साथ समय बीतेगा, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जोश जोश में आपकी जेब भी खाली हो सकती है। आपको सतर्क बने रहने की जरूरत है। बहते जल में तिल प्रवाहित करें, आपके सभी परेशानी का निवारण होगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी उपाय। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए भावनापूर्ण रह सकता है। भावना के प्रवाह में बह सकते हैं। कंफ्यूजन का निराकरण करें, अन्यथा असमंजस की स्थिति रह सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं, झगड़े से बचने का प्रयास करें। आज से अधिक खर्च बढ़ सकता है। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। एक नजदीकी रिश्तेदार खुद के लिए आपका ज्यादा ध्यान चाहेगा, हालांकि वह काफी मददगार और ख्याल रखने वाला होगा। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें। विचारों की विशालता और वाणी का जादू आज अन्य को प्रभावित और मंत्रमुग्ध करेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला उपाय। खिरनी की जड़ को सफेद कपड़े में लपेट कर अपने पास रखने से हेल्थ में सुधार आएगा। कन्या राशि, आज आपका कोई अपना आपको अचंभित कर सकता है। मुद्दा आपसे संबंधित भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन हर हाल में आपको शांत ही रहना चाहिए और अपने प्रियजनों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देकर आप खुश हो जाएंगे। व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है, यह आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफेद उपाय। पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए अपने इष्ट देव की लोहे की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करें। तुला राशि, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके रुके हुए काम में सहयोगी से मदद मिल सकती है। इसके अलावा इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। मंदिर में कुछ समय बिताएं, आपके सभी समस्या का निवारण होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी उपाय। केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपने पास रखने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रह सकता है। नए कार्य का प्रारंभ ना करने की सलाह दी जाती है। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। मन वैचारिक स्तर पर बाधित रह सकता है। मनोबल में कमी आ सकती है। मित्र वर्ग से विशेष लाभ होने के आसार हैं। व्यापार से अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आज आप करेंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी उपाय। चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि, आप कुछ दिनों से समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपकी सोच में स्पष्टता आ रही है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए आज आप अपने सभी रुके हुए काम कर लेंगे। यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने अध्ययन को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। इस अच्छे कदम से आपको लाभ ही होगा। यदि आप किसी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो आप यह पाएंगे कि कंपनी की ओर से आपको अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से वेतन मिल रहा है। इस प्रकार के प्रोत्साहन कार्य से आप ना घबराएं, क्योंकि इस प्रकार भी आप अपनी आय को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। आपकी आमदनी के साथ साथ आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ करना स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी काम को लेकर आपको जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। आज आपका झुकाव धार्मिक कामों की तरफ रहेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। व्यापार में आपको उम्मीद से कम ही लाभ होगा। किसी पर अपने काम या विचार थोपने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों से होने वाली कुछ जरूरी मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
आज अचानक कोई रिश्तेदार आपके घर आ सकता है, सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी परेशानी दूर होगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, जेब में हरे रंग का रुमाल रखना आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत प्रशंसा हो सकती है, कार्य सरलता से पूरे हो सकते हैं, सरकारी कार्यवाही से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी, आपके लिए दिन थोड़ा सामान्य रहेगा, नौकरी और अपनी स्थिति पर विचार करना होगा। कोई चुनौती दे तो तुरंत पलट कर उसका जवाब ना दें, सोचे हुए काम भी अच्छे ढंग से हो जाएंगे। आप किसी तरह का नया निवेश भी कर सकते हैं। आज जो भी योजना बनाने जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से गोपनीयता रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, नौकरी व बिजनेस में तरक्की के लिए घर की छत या पड़छत्ती में चौखट जाली व लोहे के सामान का संग्रह न होने दें। मीन राशि, वे जो कानूनी पेशे में हैं उन्हें आज अनेक सही अवसर की प्राप्ति होगी, खासकर वे जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन परेशानियों से भरा हो सकता है, आपको ध्यान रखना होगा और स्थिति अपने आप सुधरेगी। निजी मेडिकल व्यवसायकर्ताओं के लिए आज का दिन काफी लाभदायक हो सकता है, हालांकि आप काम में काफी उलझ सकते हैं, बस आप इसे करने में कोई जल्दबाजी ना करें। अपने काम के कारण आप अपने ग्राहकों को अपने से दूर ना करें, क्योंकि ये करने से आपके कैरियर पर काफी असर पड़ सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफेद। उपाय, एक मीठी रोटी कुत्ते को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।